फ्रेंड आज हम बेसन का चिल्ला बनाने उसके जा लिए रहे हैं। हम 100 ग्राम बेसन लिए हैं जो बड़े खाने वाले चम्मच से 5 चम्मच है, बड़े चम्मच से। हम एक प्याज हम रफली चॉप कर लिए हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा हम रफली चॉप कर लिए हैं, 3 हरी मिर्च है, 1 टमाटर है। तो पहले चलिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले तैयार करने के लिए एक मिक्सी जार लिए हैं और इसमें हमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, ये अदरक डाल रहे हैं, ये हरी मिर्च डाल रहे हैं, ये टमाटर डाल रहे हैं। सबको हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। बैटर तैयार करने के लिए एक मिक्सिंग बाउल लिए हैं, इसमें हम बेसन डाल रहे हैं। जो ये टमाटर और प्याज का घोल बना के रखे हैं वो डालेंगे, सबको हम मिला लेंगे। ध्यान रखिएगा पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये मिक्सी जार में जो मसाला लगा था उसी में हम थोड़ा पानी डाल के और डाल रहे हैं, गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। मैं कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा हम 1 चम्मच गोटा जीरा डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हींग डालेंगे। सबको हम मिला लेते हैं और 2 मिनट तक इसको हम ऐसे ही सर हम फेंट लिए हैं। देखिए तैयार हो गया, ना ही गाढ़ा बैटर चाहिए। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार, 1/2 टेबल स्पून है छोटे चम्मच से। ये धनिया की पत्ती बारीक काट के रखे हैं इसको डालेंगे, सबको मिला लेते हैं। अब चलिए बनाने चलते हैं। इंडक्शन ऑन करके हम एक नॉन स्टिक पैन रख दिए हैं, पैन गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, किचन टॉवल से हम मिला के पोंछ लेते हैं। पैन को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लेते हैं। एक करछी लेंगे, इसी से हम बैटर को डालेंगे, इसको चारों तरफ से फैला लेंगे। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चारों तरफ से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये हम कुकिंग ऑयल मस्टर्ड ऑयल लिए हैं, इसमें बेसन का चिल्ला बहुत टेस्टी बनता है। इसको पलट लेते हैं, एक तरफ हो गया है, इस तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। फ्रेंड 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। ये हो गया है, इसको निकाल लेते हैं, दूसरा बना के दिखाते हैं। चारों तरफ से ऑयल लगा देंगे, वो 1 मिनट तक ऐसे ही हम सेंकने देते हैं लो फ्लेम पर। दूसरा भी हो गया है, इसको पलट लेते हैं। आई 1 मिनट इधर हम सेंकने देते हैं, इधर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। 1 मिनट सेकने के बाद हम दिखाते हैं। 1 मिनट हो गया, इधर भी हो गया है, निकाल लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से हम दिखा दिए, बाकी के बचे हुए बैटर जो है हम बाकी बना लेते हैं, उसके बाद से हम सर्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड बेसन का चिल्ला बन के तैयार है, सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हुआ है। कोई बेकिंग सोडा, इनो, बेकिंग पाउडर नहीं मिलाए हैं, बस सारे मसालों को डालिए, घोलिए और बना लीजिए, और दही और चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो हम दही को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें अलसी का पाउडर जो है, जिसको गांव में तीसी कहते हैं, उसी को हम भून के रखे हैं और इसमें डाल रहे हैं। इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा और बहुत हेल्दी भी है। तो फ्रेंड हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा
बेसन का चीला और दही और चटनी के साथ आप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।